हाय दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान गणेश दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, आपका भी बैंक अकाउंट है जो SBI में है, छोटे वाला में हो या बड़ा वाला में हो, आपका भी होल्ड लग जाता है, पैसा लेन देन में परेशानी होता है, जैसे कि फोन पे गूगल पे से भी नहीं जाता है, ना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं आप, ना ही बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो उसके बारे में ये वीडियो आज बनाया हूँ दोस्तों, आप अपना होल्ड कैसे छुड़वा सकते हैं, छोटा वाला में हो CST में हो या बड़ा वाला SBI में हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देख सकते हैं KYC फॉर्म है, ये KYC फॉर्म देख सकते हैं। ये KYC फॉर्म आपको कुछ शॉप पे मिल सकता है 2 से 3 रुपया में, या नहीं तो बैंक में आप जाइएगा तो बैंक में होगा तो आपको फ्री में वहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करें दोस्तों, ऐसा ऐसा मैं वीडियो बराबर में बैंक के बारे में बनाते रहता हूं दोस्तों। इससे पहले मैं वीडियो बनाया हूं, अगर महीने का आपका भी 10,000 निकलता है दोस्तों तो छोटे में से बड़ा में कैसे ट्रांसफ़र करें और ATM पिन कैसे बनाएं, सब कुछ के बारे में वीडियो में बनाया हुआ दोस्तों। सबके नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सब आप जाके देख सकते हैं और अच्छा से सब काम कर सकते हैं। बैंक पर जाने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि परेशानी क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरा आप वीडियो देखे हुए हैं तो परेशानी क्यों होगा आपको। अब जो जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उसको आप लेके जाना है, वहाँ पर आप काम करा लेना है। तो इसको फिल कैसे करना है इसके बारे में बताने वाला हूँ मैं आज, अभी थोड़ा देर आगे वीडियो में। उससे इम्पोर्टेंट बात एक और बता देता हूँ, क्या जरूरी दस्तावेज है जो अकाउंट होल्ड को ऑन कराने के लिए आपको पैन कार्ड जरूरी है, आधार कार्ड, खाता के जीरोक्स जो होल्ड है आपका, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो लेने के बाद आपको अच्छे से फिल कर लेना है दोस्तों। इसके बाद मैं फिल करके बताता हूँ, मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है KYC फॉर्म, ये अगर अच्छा से फिल किया रहेगा तो कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगा, मेन चीज़ है KYC फॉर्म है। चलिए आज इसको फिल करके आपको मैं बताता हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को लेकिन शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ऐसा कोई अथी नहीं, इसे छोड़ दीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा। ये नहीं, अगर बैंक में आप जाइएगा तो बैंक वाला आपके फॉर्म रख लेगा, वहाँ आपको बोला जाएगा ऐसे आप जाइए हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। आप वहाँ पे दो मिनट 5 मिनट आधा घंटा रुक के और करा के आइए। अगर कुछ गलत रहा KYC फॉर्म में, कुछ अगर गलत रहा तो आपको उसी समय बोल देगा, आप जब रहिएगा तब ना बोल देगा ऐसा ये चीज़ गलत है इसको सुधार के लाइए। आप चले आइएगा तो वो सोचेगा चलिए नहीं है इसको हटसाइड कर देते, रद्दी में चला जाएगा, क्योंकि आपका कुछ गलत होगा तो ना बता पाएगा। फिर दूसरे दिन आप जाइएगा 5 दिन के बाद सर नहीं हुआ तो फिर से बोला जाएगा, वहाँ पर दूसरा भर कर दीजिए नहीं हुआ। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो करते हम स्टार्ट। चलिए दोस्तों आज मैं फिल्म करके देखता हूँ फॉर्म। चलिए देखते रहिए ध्यान से, यहाँ पर जो आपका स्टेट कहाँ पर बैंक है वो वहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि मेरा समस्तीपुर है, यहाँ समस्तीपुर हो गया दोस्तों, समस्तीपुर का यहाँ अकाउंट नंबर लिखना है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है अकाउंट नंबर। चलिए अपना अकाउंट नंबर लिख देता हूँ, ये मेरा अकाउंट नंबर हो गया। यहाँ पेन नंबर होगा तो पेन नंबर डाल दीजिएगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे डालना है दोस्तों क्या पे टिक लगाना है, ये वाला जो दिख रहा है वोटर आइडेंटिटी कार्ड, इस पर आपको सही का टिक लगा देना है। उसके बाद नीचे चले आना है, यहाँ पे जो डेट है कई तारीख को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डाल देना है। जैसे कि आज मैं डाल देता हूँ 11/11/2022, यहाँ पे कहाँ पे आपका बैंक है यहाँ पे डाले हुए हैं समस्तीपुर, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको भी समस्तीपुर डाल देना है। प्लस समस्तीपुर हो गया, यह नाम अपना डालना है, जो आपका नाम है अकाउंट में वो डालना है, अपना नाम डालना है। चलिए मैं डाल देता हूँ, गणेश कुमार डाल दिया हूँ, मेरा एड्रेस है, अभी नीचे एड्रेस है जो आधार कार्ड में एड्रेस होगा वो आपको डालना है, एड्रेस आपका क्या है वो डालना है आपको एड्रेस। चलिए अपना एड्रेस डाल लेता हूँ,
चलिए यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है, जैसे कि देख सकते हैं, मैं डाल देता हूँ एड्रेस ऊपर वाला को छोड़ के, और अगर तुम लोग नए हो तो डाल देता हूँ, सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, ताजपुर कोठिया, यहाँ पे लिखना है जिला समस्तीपुर, पिन कोड जो आधार कार्ड में आपका होगा वो डाल देना है, नीचे मोबाइल नंबर डाल देना है, जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो डाल देना है, जैसे कि चलिए हम डाल देते हैं, यहाँ आपका ईमेल एड्रेस होगा, जो ईमेल आईडी वो डाल देना है आपको। चलिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक फोटो लगाना है, पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो लगाना है, उसके बाद ये हो गया रेडी। ऐसे फिल करके और आप जो बोले थे आधार कार्ड, पैन कार्ड, खाता का जीरोक्स, एक पासपोर्ट साइज जो यहाँ पे फ़ोटो वो लेके देना है, आपको पूरा काम ओके हो जाएगा। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, अच्छा से देख लीजिए, समझा देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समस्तीपुर ब्रांच, यहाँ नीचे देख सकते हैं अकाउंट नंबर 3349054715, यहाँ पैन कार्ड नंबर होगा तो डाल दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे वोटर वाला आईडी वाला में क्लिक करना है, सही के निशान लगा देना है और नीचे आ जाना है, यहाँ देख सकते हैं डेट कब आप भर रहे हैं, 11/11/2022 सिंह प्लेस समस्तीपुर, यहाँ पर देख सकते हैं अपना नाम डाल दिए हैं, गणेश कुमार, ताजपुर कोठिया जिला समस्तीपुर, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी होगा तो डाल दीजिएगा, बस हो गया, इतना ही काम है। और आधार कार्ड पैन कार्ड पर सब पर आपका सिग्नेचर लगेगा और काम हो जाएगा, आप छोटे से अकाउंट को ऑन करवा सकते हैं, होल्ड या बड़ा हो या छोटा हो। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, ऐसा सब वीडियो में बराबर बनाते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।